एजाज साहब, सफदर साहब हैं जो एसीबी डिपार्टमेंट के ही इंस्पेक्टर हैं, ही इज आल्सो आप ही नॉर्थ कश्मीर देखते हैं, प्रिंसिपल साहब हैं यहाँ, आप सब लेक्चरर साहिबान जो हैं यहाँ पे, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा बिकॉज आई ऑलरेडी इंटरप्टेड वाइल मुदस्सिर साहब वॉज टॉकिंग, बट आई थिंक जो हम आज मैं डिस्कशन ही कहूंगा बिकॉज इट आई एम सो ग्लैड कि मुदस्सिर साहब ने इसको एक मोनोलॉग ना रखे, एक डिस्कशन टाइप इस प्रोग्राम को, जो कि करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन के टॉपिक से हम डिस्कस कर रहे थे, एंड इट इज being it is one of the programs which is being conducted during celebration of Vigilance Week. So, mota-mota, I think we have all understood what the topic was. We have all discussed what could be the solution. So, main bhi zyada waqt nahi lunga, but jaise main us waqt bhi keh raha tha, I think the only way we can fight corruption is by fighting it at an individual level first. कोई भी चेंज जो सोसाइटी में आती है, हमारा एम होता है कि ये कलेक्टिवली आए, एवरीवन वांट्स कि मतलब मैं भी घर पे बैठ के चाहता हूं कि सिस्टम एकदम क्लीन हो जाए, सिस्टम एकदम बैलेंस रहे, करप्शन ना रहे, ठीक है, सब लोग अच्छे बन जाए, मगर वो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अनलेस एंड अंटिल I at an individual level decide and start working towards it. चाहे वो कोई भी चीज हो, आज हम करप्शन की बात कर रहे हैं तो कल कोई और टॉपिक होगा, जैसे लास्ट टाइम आई वॉज हियर हम यहाँ पे ड्रग मैनेज डिस्कस कर रहे थे, राइट, रिमेम्बर? तो कोई भी लड़ाई जो लड़ी जाती है वो पहले इंडिविजुअल लेवल पे लड़ाई जाती है। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि किसी ऑफिस में जी पटवारी साहब करप्ट थे, हाउ कैन वी फाइट दैट? इंडिविजुअल लेवल पे सबसे पहले वॉइस रेज करके, अगर आपके सामने कहीं पे करप्शन हो रहा है तो जब तक आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे वो पॉइंट आउट नहीं होगी। हमने क्या किया है एज अ सोसाइटी, वी हैव मेड करप्शन वेरी एक्सेप्टेबल एंड वी हैव ऑल बिकम कंफर्टेबल विद इट। मुझे अगर आज किसी दफ्तर में काम है, सबसे पहले मैं ढूंढता हूं कि भैया इसका शॉर्टकट बताओ मुझे क्या है, कि अगर मुझे चार फॉर्म भरने हैं आप मुझे ये बता दो कि मैं एक ही फॉर्म भर के ये काम कैसे कर लूं, राइट? सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप इज एट एन इंडिविजुअल लेवल आई डिसाइड कि आई विल नॉट बी ओके विद करप्शन, करप्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, and wherever I see that happening, I will raise my voice. आप अभी मुदस्सिर साहब से पूछ रहे थे कि जी मैं ACB में कंप्लेंट कैसे करूं, मैं आपको कह रहा हूं जिस दिन आप ये डिसाइड करोगे ना कि मुझे करप्शन एक्सेप्टेबल नहीं है, यू विल फाइंड 10 मीन्स इन योर हैंड टू फाइट दैट करप्शन। आपको मुदस्सिर साहब के नंबर की जरूरत ही नहीं है, एंड द स्टेप कैन बी एनीथिंग। आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं, आप क्या नाम है इसका, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कंसल्ट कर सकते हैं, या लोकल लीडरशिप है उनको कंसल्ट कर सकते हैं, या पुलिस स्टेशन है हमारे वो, लेकिन वो तभी होगा जब पहले आप डिसाइड करोगे कि नहीं आज के बाद मुझे करप्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। बट इट इज इजियर सेड देन डन। आई एम गोइंग टू टेल यू, मतलब अभी हम बहुत बहुत यू नो वी वर बीइंग वेरी ऑब्जेक्टिव एंड वी वर बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक by saying that you are going to be the leaders, you are going to be the doctors, you are going to be the, you are the people who are going to represent our society in the coming few years, right? But I am going to tell you right now that the right path, that the path where you want to stand against corruption will not be easy. मैं आपको reality check दे रहा हूँ कि आप अभी हम pledge करें या decide करें कि हम corruption के against खड़े होंगे, ये रास्ता आसान नहीं होगा। लेकिन लेकिन अगर आप ये डिसाइड करेंगे और आप ये पहला कदम लेंगे, आई एम गिविंग यू अ गारंटी
कि बाय द टाइम यू आर इन पार्ट ऑफ द सिस्टम 100% ठीक हुआ होगा नहीं हुआ होगा, लेकिन एक बहुत मेजर चेंज जरूर आई होगी. सो द प्रॉब्लम ऑल्सो लाइज विद यू एंड द सोल्यूशन ऑल्सो लाइज विद यू. हो सकता है आप कल को जाएं किसी ऑफिस में, आप आवाज उठाएं, शोर करें और उसे कुछ नहीं हो. आप आए मेरे पास आए, हां जी मुझे इसके खिलाफ कंप्लेंट करनी है, ये करप्शन में इंडल्ज कर रहा था. हो सकता है मैं भी कंप्लेंट करूं, केस भी हो, बाकी चीज हो, बट देयर इज अ फेयर चांस कि सोल्यूशन नहीं निकले, उसका कोई आउटकम नहीं निकलेगा. तो आपको डिस्करेज नहीं होना है. यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, बट आई एम गिविंग यू अ रियलिटी चेक. इफ यू चूज टू वॉक ऑन दिस पाथ, इट विल नॉट बी इजी. बट फॉर anyone who wants to see that change in that society, this is the only way. There is no other way. अगर हम मुदस्सिर साहब के साथ साथ 10 और ऑफिसर्स सिर्फ सोगा में ही बिठा देना अगले 5 साल, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, नहीं होगा 100% करप्शन खत्म. Why? Because they are, इनका जो रोल है, ठीक है, it is a reactionary role. इनका काम है जहां करप्शन हो रहा है वहां पकड़ना, ठीक है. इनका काम है कि एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जहां मैं हेसिटेंट रहूं इन इंडल्जिंग इन करप्शन. सो हिज सक्सेस रेट कैन नॉट बी 100%. यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? बट इफ अस एज अ सोसाइटी एट लार्ज, इफ वी डिसाइड कि मे बी वी विल क्रिएट एन एनवायरमेंट जहां पे हर एक सिटीजन इतना अवेयर है. डू यू नो हु इज द मोस्ट डेंजरस पर्सन फॉर अ करप्ट सिस्टम? किसी भी करप्ट सिस्टम के लिए सबसे डेंजरस आदमी कौन है? नो, अ यंगस्टर, अ यूथ हु इज वेल अवेयर ऑफ हिज राइट्स एंड ड्यूटीज. एनी सिटीजन हु इज वेल अवेयर ऑफ हिज राइट्स एंड ड्यूटीज इज द मोस्ट डेंजरस पर्सन फॉर अ, फॉर नॉट फॉर अ करप्शन, फॉर एनी. मतलब अगर मैं एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, एक ऐसे वेल अवेयर और ऐसे सिटीजन से मिलता हूं हु हैज एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ हिज राइट ड्यूटीज एंड इज कॉन्शियस अबाउट इट, वो मुझसे गधे का काम करवाएगा. आप समझ रहे हो मेरी बात? और अगर ऐसा सिटीजन होगा जिसको नहीं है अपने राइट्स या ड्यूटीज की इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस, आई विल टेक हिम फॉर अ राइड. गसस आना जी का कसर ज्ञान गॉड विद लेक यू. यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. मैं दिल्ली में पढ़ता था, तो एक बार क्या हुआ, मैंने गाड़ी पार्क करी सड़क पे, मुझे कुछ लेना था दुकान से, तो मैंने सड़क पे गाड़ी पार्क करी और मैं दुकान पे गया. तो अब मैं वो खरीद ही रहा था, मेरी नजर पड़ी इतनी देर में ट्रैफिक वाले आ गए थे और उन्होंने जो वो क्रेन है वो लगानी स्टार्ट कर दी थी. तो आई रैन बैक और मैं गया वहां, मैंने उसको रोका, मैंने बोला भाई एक मिनट मैं यहीं पे हूं, क्या हुआ? तो वो उठा, उसने कहा आपकी गाड़ी हम उठा के ले जा रहे हैं, सीज कर रहे हैं. मैंने बोला यू कैन नॉट डू दैट. बोला क्यों? मैंने कहा क्योंकि मेरी गाड़ी अगर यहां खड़ी है, आई एम राइट हियर एंड आई एक्सेप्ट, मैंने गलती की है, मैंने नो पार्किंग में गाड़ी पार्क कर ली है. वोटा हाँ बोला हाँ ठीक है आप फिर 1000 रुपए. उस टाइम पे ये 10-12 साल पुरानी बात है. मैंने कहा सर नो पार्किंग का चालान 200 रुपए का होता है, आप चालान बुक निकालिए मैं चालान पे करता हूँ. और वो मुझे ऐसे देखने लगा. ही सेड नहीं इसमें क्रेन चार्जेस लगेंगे. तो मैंने कहा कि जब तक आप मेरी गाड़ी क्रेन पे ले जाके डिपो में सब जमा नहीं करते हैं, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर क्रेन चार्जेस. तो वो और सरप्राइज हो गया. तो उसने दूसरे बंदे को बोला, बोला यार ये पता नहीं क्या बोल रहा है. जिस्ट ऑफ द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि बिकॉज मुझे पता था कि मेरे राइट्स क्या हैं, बिकॉज मुझे पता था मैंने गलती की है, मेरी पेनल्टी क्या है, ही कुड नॉट फ्लीस मी. अगर मुझे नहीं पता होता, वो मुझे अगर उस वक्त 500 रुपए भी मांगता, 1000 रुपए भी मांगता, शायद मुझे. लेकिन चूंकि मुझे पता था कि मेरी गलती भी अगर है तो वो किस हद तक पनिशेबल है, राइट, he could not fleece me. So that is exactly what we all should do
बी कॉन्शियस अबाउट, कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, और जितना हम टाइम स्पेंड करेंगे दूसरों को अवेयर करने में, उतना जल्दी हम ये करप्शन कम कर सकते हैं। हम जब एजाज साहब के ऑफिस में बैठे थे, हम लोग यही बात कर रहे थे कि एज अ सोसाइटी कहीं ना कहीं हम लोग बहुत, मतलब यू हैव बिकम वेरी डिमोटिवेटेड एंड वी हैव बिकम, मतलब नो, वी हैव जस्ट स्टार्टेड एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। मतलब वो फाइटिंग स्पिरिट जो होता है ना, वो हमें कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड मुदस्सिर साहब एंड हिज टीम फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव, कि एटलीस्ट हम कॉलेजेस में जाके जो हमारे यंग माइंड्स हैं, यंग ब्रेन्स हैं एंड फ्यूचर ऑफ आवर सोसाइटी है, एंड इन एनी रोल, जिस भी रोल में आप आगे जाएं, एक ये चीज लेके जाएं कि नहीं, एट एन इंडिविजुअल लेवल, चाहे मेरा दोस्त वही चीज करेगा या नहीं करेगा, चाहे मेरे घरवाले करेंगे या नहीं करेंगे, बट टू स्टार्ट विद, एट एन इंडिविजुअल लेवल आई विल फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड विदाउट थिंकिंग कि वेदर ये सिस्टम को चेंज करेगा कि नहीं करेगा। बाकी इंशाल्लाह, मतलब आई एम होपफुल कि अगर हमारे ऑफिसेज में या पीपल अराउंड अस, इफ यंग पीपल स्टार्ट टेकिंग इंपॉर्टेंट रोल्स, आई थिंक दैट इज वन वे इन विच वी कैन चेंज थिंग्स एंड चेंज द सिस्टम विच अनफॉर्चुनेटली लुक्स वेरी क्रिपल्ड राइट नाउ। बट इन दिस होप दैट ऑल ऑफ यू लवली स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू टेक डिफरेंट रोल्स इन द फ्यूचर इन द सोसाइटी विल इंशाल्लाह चेंज द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी एंड वी ऑल टूगेदर वी विल ऑल्सो हेल्प यू एट आर ओन लेवल्स। तो बट द रोल इज गोइंग टू बी प्राइमरली योर्स। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर गिविंग।